संगवारी हो, हमन अभी आगे हवन डोकरी चचरा, लगभग देवभोग से यह 60 किलोमीटर दूर हवे और बहुत ही खूबसूरत से जगह हवे। अभी भी यहाँ वाटरफॉल चलत हवे जो बहुत ही मजेदार लगने वाला है। और अभी हमन हा जाबो मंदिर के अंदर में और आप मन ला ओकर नजारा दिखाबो। ओकर साथ साथ यहाँ के जो मुख्य मंदिर है जो डोकरी चचरा है वो ये वाला हरे देवी देवता वगैरह यहाँ बिठाए हुए है। तो फिलहाल अभी आगे हमन आप मन ला ओकर भी नजारा दिखाने वाला है। तो अभी हमन ये वाला साइड से आए हवन और ये वाला जो पार्किंग स्थल है सामने पूरा पहाड़ी है, नज़दीक दिखा थे ये वाला तो और गजब के पहाड़ी है। और ये बरगद के पेड़ है ओकर नीचे। अभी हमन हा गाड़ी ला पार्किंग कर दे हवन, अब धीरे धीरे जाबो मंदिर के अंदर में। तो संगवारी हो, ये साइड मंदिर मन के दर्शन बाद में करबो, फिलहाल अभी हमन हा जाथन ये साइड के मंदिर मन ला देखे बर। जितना भी मंदिर है देवी देवता है ओकर दर्शन हमन आप मन ला कराबो। तो ये वाला मंदिर में अभी चलथन। और संगवारी हो, यहाँ पास ओडिया में कुछ लिखा है हावे मोला तो समझ नहीं आते, आप मन ला आवत होई तो जरूर बताओ। ये देख सकत हो आप मन अंदर मंदिर के खूबसूरत से नज़ारा ला। सामने गेट बंद है लगत है। और ये जगह आप मन देख सकत हो बजरंगबली महावीर के मूर्ति स्थापित हावे। ये जो मंदिर है मोला लगत हावे कि ये है भगवान राम जानकी के मंदिर है। और सामने आप मन देख सकत हो कुछ कुछ लिखा है हावे, ये पास भी उड़िया में लिखा है हावे। और सामने भी देख सकत हो बहुत कुछ लिखा है हावे, मोला समझ नहीं आए। आप मन ला आवत हो उड़िया पढ़े बार तो कमेंट्स करके जरूर बताओ। और अभी दोपहर हो गए हैं तो मंदिर ला बंद कर दे हावे। फिलहाल अभी परिक्रमा करथन। और ये आप मन देख सकत हो मूर्ति वगैरह दीवाल मन में लगाए हावे। और पूरा दीवाल में उड़िया भाषा में कोई कोई से श्लोक लिखाए हावे जो मोला समझ नहीं आते। आप मन ला आत हो तो कमेंट्स करके हर ओडिया के हिंदी अनुवाद करके बताओ। फिलहाल ये पूरा राम जानकी के मंदिर है, एकर दर्शन करे के बाद आगे चलथन। और जो भी खूबसूरत से नज़ारा है ओ मल्ला मैं आप मल्ला दिखाऊं। तो ए साइड सामने वाला एक ठोक मंदिर लगत है, मोला कंफर्म नहीं है। फिलहाल एती के नज़ारा आप मन देख सकत हो पहाड़ी के। ये वाला भी भवन वगैरह बनाए हबे और ऊपर से पानी आवत हबे, मोला लगत है कि झरना वगैरह चलत हबे करके। ये देख सकत हो ये नाली में पानी झरना से आवत हबे, सामने से कटे हुए है। और ये सीधा आगे रोड किनारे जो पानी बहत रही समनाहन वही में गे हबे। तो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था बनाए हबे, पानी ला आगे से लात हबे और ये नाली के द्वारा ये साइड से बाहर निकालत हबे। फिलहाल अभी मंदिर के पीछे जाके देखथन कितना पानी चलत हवे। पहाड़ी जो सामने है बहुत ही खूबसूरत है, आप मल्ला कैमरा में समझ नहीं आए, जब यहाँ आहू तब आप मल्ला ओकर असली नज़ारा देखे भर मिली। तो इतनी भवन वगैरह भी बने हावे, सामुदायिक भवन वगैरह यहाँ पास बहुत ही बढ़िया बने हावे। यहाँ पास पिकनिक वगैरह भी आदमी मन मनाए भर आते। और ये बहुत बेहतरीन जगह है, देखे में इतना खूबसूरत लगत है कि मैं बता नहीं सको। और ये कचरा वगैरह नज़दीक में नहीं बगराना चाहिए, आदमी मतलब जो भी लाते अपन साथ लेके जाना चाहिए, ये बहुत ही गलत और गंदा आदत है। तो फिलहाल पानी के आवाज़ आवत है बे मोला, अभी आगे चलथन और देखथन। ये देख सकत हो सामने पानी के धार पतला धार बहावत हबे और ये साइड बड़े वाला झरना के आवाज़ आवत हबे। और एती से अभी भी धार बहावत आवत हबे, ये किनारे किनारे से होके आगे जाही। तो फिलहाल चलथन वापस पार्किंग पास से, वहाँ से अब आप मल्ला कुछ कुछ मंदिर मन के दर्शन ला कराता हूँ। तो संगवारी हो, राम जानकी मंदिर दर्शन करे के बाद हमन फिर से आगे हवन पार्किंग के पास। और ये पास आप मन देख सकत हो, मैं पहले जूता उतार लेता हूँ। और ये पास आप मन देख सकत हो कुछ कुछ देवी देवता मन के भी मूर्ति स्थापित हावे। और ये आप मन देख सकत हो बहुत ही सुघर सुघर मूर्ति स्थापित हावे और बहुत ही बेहतरीन लगत दिखे माँ। ये दुर्गा माता है और लक्ष्मी माता है और ऐसे बहुत सारा देवी देवता है जो बहुत ही बढ़िया देखे माँ भी लगत है। शायद यही जगह ला या यही माता मल्ला डोकरी चचरा बोलत हो ही, मोला कन्फर्म नहीं है। आगे एक ठो और मंदिर है, ओला भी जाके मैं आप मल्ला नज़दीक से दिखाता हूँ।
ये पास आप मन देख सकते हो, हमार साइड ज़्यादातर मिट्टी वगैरह या पत्थर वगैरह रखा दे रहे थे, लेकिन एति जो भी माता है उकर हर स्वरूप ला ये देख सकते हो आप मन। हाँ हर स्वरूप के मूर्ति बना दे अभी, वो भी पूरा माटी से, तो बहुत ही अच्छा लगा थे। और ये साइड झरना के आवाज़ आवा थे, मतलब मार्च में झरना चला थे, मतलब 12 महीना यहाँ झरना बहत रहे थे और पूरा पहाड़ी के किनारे है। ये वाला पहाड़ी ऐसे लगा थे कि कोई काटे हवे। और ये जगह आप मन देख सकते हो, ये जो मंदिर है अभी निर्माणाधीन है, यानी कि अभी बनावत हवे। वैसे ही पूरा ये साइड भी बने हुए हैं मंदिर वगैरह, धीरे धीरे करके हमन जाबो। तो अभी मैं आप मल्ला ये पास जो देवी देवता है उकर वीडियो दिखाया हूँ। अब आगे हमन जावत हवन ये वाला मंदिर से आगे, जहाँ पर शिव मंदिर है वहाँ पूजा वगैरह भी हुआ थे। और ऊपर के नज़ारा आप मन देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है, सुघर नज़ारा है। पूरा पहाड़ ही लगभग 500 फीट पहाड़ी है, ओकर नीचे में झरना बहुत हवे वो जगह, बोला मैं आप मल्ला बाद में दिखाऊँ। फिलहाल अभी हमन चलथन सामने वाला मंदिर में। ये अभी हमन आगे हवन भगवान शिव मंदिर के पास, और यहाँ पास कुछ मूर्ति वगैरह बने हुए हैं। संगवारी हो, यहाँ के जितना भी आदमी हो वो मन हाँ बोलते हो ओड़िया, और मोला नहीं आए ओड़िया। तो मोरसा जो तेन सिंह भाई है वो मन हाँ पूछी यहाँ के मंदिर वगैरह के बारे में। और सामने आप मन हाँ देख सकते हो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग बने हुए हैं। तो सामने आप मतलब जो महाराज जी दिखा थे वो हरे ये मंदिर के मुख्य पुजारी, और भोलेनाथ बाबा के मंदिर में भी बैठे हुए हैं। और ये आप मन देख सकते हो सामने गणेश भगवान के राइट साइड, यानी कि जीवनी साइड आ गए। और ये हरे भगवान महादेव भोलेनाथ के मूर्ति है। लोग डोकरी चचराय है, उड़ीसा का एक प्रसिद्ध जगह है यही जगह पे। तो इस जगह की ऐतिहासिक बारे में जानकारी के लिए यहीं पे हम पुजारी जी से मुलाकात कर रहे हैं। भैया आपका नाम क्या नाम है? राजेंद्र दास। भैया इस जगह के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे इसका इतिहास के बारे में कैसे पता चला आप लोगों को डोकरी चचरा के बारे में? इधर जगह के अंदर तुमको पता चला कि तुम इतना मंदिर बने चाहे सही विषय है? ठीक है, आज की हम ये डोकरी चचरा तीर्थ 50 वर्ष हो गया। 50 वर्ष में गत 4 तारीख में स्वर्ण जयंती पालन करता बुझल उत्सव करता। 4 तारीख आने वाले, 4 मार्च को, 4 अप्रैल को, 4-3 को। अच्छा अच्छा 4-3 को किए थे। ओके, जनवरी फरवरी मार्च। तो कौन खासियत इस जगह? एटा भगवान को सृष्टि है, एटा लोक मैंने लोकलोचन के आसला के सब उद्घाटन कर गोटे बाबा आसिक उद्घाटन करदे आम टेमरा महिमा गुरुसागुरा मिसिक सब भक्त मान विराट जंगल थी बाघ भालू मध्य यू आस्ते आस्ते लोक लोकलोचन आसबार समस्त यहाँ सफा सुथा घर द्वार सरकार किसी अवदान करम चलीचे घर द्वार इत्यादि विश्राम सप्ताहिक थे सोमवार पूजा कर सब यात्रा महोत्सव मान पालन करवमी रामनवमी रामनवमी 7 दिन हम बुझल 10 तारीख को। पुराने कहानी भी है इसमें, द्वापर युग में दोनों दैत्य राक्षस था, वो भगवान का पंच पांडव में इसमें आके इसे पूरे देख लिया, उसने राक्षस का साथ। तो मुझे थोड़ा हिंदी थोड़ा मालूम नहीं, कोई बात नहीं, आप उड़िया में बोल दो, उड़िया में बोलेंगे भी कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख देंगे हम लोग। पांच पंड मैंने 5 भाई आसी थे ये जगह माता द्रौपदी संगे ने, दून राक्षस थे, दुईटा राक्षस थी से मैंने लड़ाई ही गले, लड़ाई ही गला शिवनाथ सुर सर्पासुर बोल, शिवनाथ सुर के अर्जुन ने एक स्थिर मारिक बध कले, बध कर आग गोटे जंगल अच्छे से बहुत बड़ा से अटर्नला बोले सेने पड़गले से राक्षस मृत्युवरण कले, तापर गोटे राक्षस को बध कले भीमसेन ने गोटे बादी पहाड़ी बोलिक अच्छे से बादी पहाड़ ताको मृत्यु है दुईटा दुईटा राक्षस बध कर भगवान नारायण को नाम निकर कृष्ण मधुमाधव तीर्थ बोलिक स्थापित कर स्थापित करूटा आज प्राचीन कालर गोटे श्यामलपुर हिरा गोटे रघुनाथ बोल बाबा गोटे आसिक
উদ্ঘাটন কলে সে অনেক গ্রামের এমনি গ্রামের মুখ্য অতিথি লোক আসি সাথ দে আসি উদ্ঘাটন কলে ভগবান শ্রীরামকর বি নামে গোটে মন্দির তৈরি কলে প্রতিষ্ঠা হল তারপরে পূজা হল তারপরে মা ডকুরী মুখ্য দেবী সে পূর্ব রুতলে সে তাঁর পূজা হচ্ছে আর ভগবান মহাদেবঙ্কর জাড়েশ্বর মহাদেবঙ্কর পূজা হচ্ছে আর আগে গোটে ভৈরনাথ ভগবান শিবঙ্কর গোটে ভৈরনাথ অবতার বলি কিন্তু ভগবান মহাদেবঙ্কর সেটি ভৈরনাথ বলি গোটে পূজা হচ্ছে আগে গোটে ये वाला जो जगह दिखा थे वहाँ से पानी आते और नीचे लगभग 200 से 250 फीट के झरना बनाते। तो फिलहाल अभी हमन चलथन झरना साइड। बरसात के समय में इति से बहुत ही ज़्यादा पानी आते तो यहाँ पास पूरा पानी वगैरह भरे रहते। यहाँ पास व्यू पॉइंट बना दिए हैं, बैठे वर भी बना दिए हैं और यहाँ से लगभग 50 मीटर दूर में बनते सबसे बड़े झरना। और ये वाला जो पानी जावत है आप मन ला नज़दीक जाके दिखावत हूँ तो आप मन हाँ देख सकते हो। ये वाला जो पानी जाते वह नीचे वहाँ पास जाके बनाते लगभग 250 से 300 फीट के झरना। और मैं तो आश्चर्य में ये एकर से भी हूँ कि मार्च के महीना में हमन अभी जमीन तल से बहुत ऊँचा है, बहुत पहाड़ी के ऊपर में है, ए में भी पानी आवा था अभी। तो आप मन सोच सकते हो कि बरसात में और कितना राहत होगी। तो फिलहाल अभी हमन चलथन ये साइड। और एक चीज़ और बोल देता हूँ हमारे दर्शक मल्ला या आप मन जब कभी भी कोई भी पर्यटन स्थल जाते पिकनिक वगैरह मना तो ठीक है लेकिन ऐसी गंदगी वगैरह छोड़ के मत जाए करो। और आप मन से निवेदन है ऐसी कचरा वगैरह मत बगरा के जाए करो। जो भी स्पॉट में आओ पिकनिक जगह ही स्पॉट है वाटरफॉल के प्राकृतिक जो जगह है वहाँ ऐसी कचरा वगैरह मत बगराए करो। फिलहाल ये जगह आदमी मन के रुके वर बनाए हमें तो एती से चलथन। मेन जो झरना है वहाँ के नज़ारा आप मल्ला में है ऊपर से दिखा हूँ। अब ये सब चीज़ इतना बहुत ज़्यादा गंदा लगा थे पूछो मत। तो लगभग अभी हमन आगे हमन झरना जहाँ से नीचे गिरते वो जगह अभी आप मन देख सकते हो। सामने के खूबसूरत से पहाड़ी मन के नज़ारा ला बहुत ही सुघर हावे। और ये जो पानी जावत हावे वो मन हाँ नीचे में झरना बनावत हावे। तो फिलहाल मैं आप मन ला दिखाऊँ कितना बड़े झरना बनत हावे तेला। तो ये आप मन देख सकत हो ये लगभग 250 से 300 फीट नीचे झरना हावे और बहुत ही ज़्यादा खाई हावे। तो मैं आप मतलब बता नहीं सकूँ कितना खूबसूरत जगह है और कितना ऊपर हावे तेला। नीचे देखे बार मोला थोड़ा सा डर लगा थे फिर भी आप मतलब दिखा दो ये हरे। और यहाँ से झरना नीचे गिरा थावे अभी हमन हाँ नीचे जाबो और आप मतलब नीचे जा के झरना के नज़ारा ला दिखाबो। बहुत ही बड़े झरना है लगभग 250 से 300 फीट ऊँचा झरना हावे। तो ये आप मन देख सकते हो यहाँ से पानी गिरत हावे दो लेयर में। ये यहाँ से दो लेयर में पानी गिरत हावे और मेन जो झरना है ओती से बनावत हावे। तो फिलहाल अभी हमन नीचे जाबो और आप मन ला झरना के खूबसूरत से नज़ारा ला दिखाबो। मैं एकर से और ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहूँ हालांकि एक कदम जा सकते हो कांवर की फिसलन वगैरह रहते। तो नीचे जाओ और यहाँ के नज़ारा में आप मल्ला दिखाऊँ। संगवारी हो यहाँ आके आप मन कचरा भी मत बगराहु। एक साथ साथ मोर एक ठन और रिक्वेस्ट है कि आप मन एकदम नज़दीक में जाके सेल्फी वगैरह ले के कोशिश मत करूँ खास कर बरसात में। ये जो नीचे खाई है वो है लगभग 250 से 300 फीट के आसपास है। तो आप मन अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर ऐसे कुछ हो एक्सीडेंट हो तो फिर का हो सकते। तो आप मन रिस्क मत लो। आप मन के माँ बाप मन दाई दादा मन हा ओ मन हा अच्छा से पाले है जब छोटे से छींक भी आते तो माँ बाप मन बहुत परेशान हो जाते। तो एला आप मन ध्यान में रखते हुए यहाँ आहू तो सेफ्टी से रहो। और मैं तो कहा था जो नज़ारा आप मन ला ना ऊपर से दिखाई नहीं दे ओकर से भी खूबसूरत नज़ारा आप मन ला जब वाटरफॉल के नीचे जाऊँ तब दिखाई दी। तो एकदम किनारे खाई वगैरह में झन जाओ। अभी हमन हा जावत हमन नीचे झरना साइड। यहाँ जो पुजारी मन है वो मन हा रहते। तो फिलहाल अभी हमन हा जाबो जहाँ बड़े वाला झरना बनते नीचे साइड वो जगह में। तो बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन जगह है।
आप मन कभी आना चाहो तो मोर से संपर्क कर सकते हो, मैं आप मन ला बिल्कुल लाऊ। लेकिन ये दरअसल उड़ीसा क्षेत्र हरे, और उड़ीसा क्षेत्र बोलन तो हमन हाँ ये देवभोग से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत से जगह है। तो फिलहाल अभी धीरे धीरे करके जाबो हमन हाँ झरना साइड। मोला तो अड़िया आए नहीं, बाकी ये वाला जो कका है वो हाँ लेगा था वे कुछ कुछ बतावा था वे। पार्किंग देख सकते हो, अभी तक इतना बेहतरीन और सिस्टमेटिक ढंग से पार्किंग मैं कहीं भी नहीं देखे हूँ। यहाँ से पार्किंग कर सकते हो या बाहर निकाल सकते हो, इतनी से पूरा नीचे, और नीचे पूरा बहुत ही ज़्यादा खाई हावे। झरना के अंदाज़ा आप मन यहाँ पानी जो बहत है ओकर से लगा सकते हो। अभी मार्च के लगभग 15 दिन हो चुके हैं, आज वही 14 से 15 तारीख हरे, तो यहाँ भी अभी भी पानी चला है, तो आप मन अंदाजा लगा सकते हो कि झरना कितना चला था। इस झरना साइड जाए बर गेट बने हुए हैं, अभी बहुत सारा जगह ऐसे है जिला बना थे, ये साइड पूरा खाई वगैरह है तो पूरा घेरा वगैरह लगावा था वे। अब ये जो सीधा गिरे हैं हमन हाँ मंदिर से, हमन हाँ जाबो झरना देखे पर तो है नीचे ये साइड पूरा खाई हुए। तो फिलहाल धीरे धीरे करके चलते ना, ढलान आप मन देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ढलान है, और नीचे लगभग और पेड़ को बांध के रास्ता बनाया लगभग नीचे 100 से 150 फीट के खाई हावे। तो संभल के जाए पड़ी, मैं जो जूता पहने हूँ वो फिसला थे तो मुझे समझ नहीं आते, फिर भी उतर जाबो। यहाँ से फिसली तो सीधा खाई में ही नजर आई। अब ये देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा खाई है, आप मतलब शायद कम नजर आती हुई, इस साइड पूरा सीढ़ी वगैरह बनाए हुए हैं एडवेंचर पर। क्योंकि बहुत ज़्यादा खाई है आप लोग देख। अरे भाई साहब ये तो भाई 200 से 300 फीट नीचे है, अभी तक सीढ़ी वगैरह नहीं बना है, और रास्ता भी क्या बताएं हम आपको। धीरे 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 करके भाई उस रास्ते से हम लोग आए। सामने देख सकते हो दोस्तों मन उतरा था मैं बहुत ही ज़्यादा फिसलन है। काका है थकत नहीं है वो देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, जहाँ खड़े ना अभी वहाँ से लगभग 300 फीट है, और बाकी भाई मन आवत हवे। वहाँ अभी भी जमीन लगभग 100 फीट नीचे है, और ये देख सके तो सब आराम से आवा था वे। पानी के कुंड नजर आए के शुरू हो गए, जो कका है का बोला था मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, उड़िया में बोला था लेकिन जो भी बोला थे अच्छे ही बोला थे। तो नीचे झरना की आवाज़ आना चालू हो गई, बहुत ही ज़्यादा फिसलन है मैं बता नहीं सका। चट्टान आप देख सके तो बहुत ही खूबसूरत है, और ये पास बना था अभी झरना। बाकी टीम के मेंबर में अमर काम जी कैसे है, क्या फील हो रहा है? वो तो ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे आते तक हम लोग करीबन 300 मीटर नीचे उतर चुके हैं, बहुत ऊपर हम लोग अपना गाड़ी पार्क की है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो कितना ऊपर हाइट पे थे और हम लोग कितना अभी नीचे आए हैं। उसको देखो वो वाला जो नीचे आएंगे ना तभी हम पत्थर वहाँ से वाटरफॉल बनता है नीचे, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा वाटरफॉल होगा ये, और उड़ीसा का फेमस वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल होगा। तो ये पास वाव यहाँ पास से देख सकते हो वाटरफॉल के खूबसूरत नज़ारा, आप बल्ला
दिखाई देवत होई। ये हरे वाटरफॉल और मार्च में चला थे वो सबसे ज्यादा अमेजिंग वाव। और वाटरफॉल देखो आप, अभी धीरे धीरे करके जाओ नीचे। हाँ जाएंगे जाएंगे। तो संगवारी हो मोला यकीन नहीं आत रही इसकी मार्च में भी कोई भी वाटरफॉल चलत हुई, लेकिन ये जो पहाड़ी है वहाँ जो पानी गिरा थे और अभी बहुत ही अच्छा पानी है और लगभग आप मतलब जो वाटरफॉल दिखाऊं वो है 200 मीटर के आसपास है और मैं अभी नीचे यहाँ पर नहीं देख सकता हूँ। एक कुंड है यहाँ से पूरा पानी वगैरह है, धीरे धीरे करके बढ़ा था मन अभी आगे बढ़। रास्ता भी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये पूरा खाई के नज़ारा आप मन देख सकते हो। ये हरे मेन वाटरफॉल ऑसम गजब के। मैं सोचा तो ये हाँ गर्मी में इतना चलत है तो बरसात में और कतका चलत हो ही। तो फिलहाल धीरे धीरे करके हम अनु जाबो आगे में। मैं बता नहीं सको यहाँ आए के बाद कितना मोरमल खुशी हुआ थे। देख सकते हो वाटरफॉल जो चला था हमें और आप मन तो जानते हो हमारे चैनल में नवा नवा वाटरफॉल आवत रहते। आज आप मन हमें उड़ीसा के वाटरफॉल दिखावा था हमें डोकरी चचरा के। ये जो वाटरफॉल है आप मन दिखा थे लगभग यह 200 से 250 फीट के ऊंचाई के आसपास से। दूर से आप मन ला मोबाइल में समझ नहीं आई, लेकिन जब आप मन ये जगह में आहू तो वाटरफॉल के असली ऊंचाई आप मन ला पता चली। फिलहाल आगे जाता हूँ आप मन ला दिखाता हूँ। हो आप मन ये जो कुंड देखा तो आप मन जब कभी भी आहू धोखा से भी भूल से भी या मस्ती से भी एमे छलांग मत लगाऊ। एकर गहराई नापे के कोशिश करीस लेकिन नहीं नापी से नहीं नपा पैसे और अभी तक एमे 3 से 4 आदमी डूब के मर चुके हैं। तो आप मन कभी भी ये गलती मत करूँ, आओ दर्शन करे बर, देखाओ जगह ला वाटरफॉल के मजा लेवो और सही सलामत अपन घर जाओ। तो